हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक 2 इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को देख के हमेशा इनसे दूर भागते हैं और प्रॉब्लम ये है कि वेरीफाइंग मेथड से भी ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ और जब आप इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली समझोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता। प्रैक्टिस जिस स्टूडेंट की ज़्यादा अच्छी होगी वो ऐसे क्वेश्चन को फास्टली कर पाएगा। तो आप लगातार सीखने, अभी आपका सीखने का समय है, तो आप लगभग सभी क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करें ताकि आप अच्छी स्कोरिंग कर सकें। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 12 को मैं कैसे सोल्व करता हूँ। देखो आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 1 x^2/3 एंड 1 x^2/3 और यहाँ पर 1 x2। तो 1 x2 में दोनों वैल्यू होती हैं, आप जानते हो 1 x2 में 1 x भी होता है और 1 x भी होता है। तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन डायरेक्ट इन दोनों से है, जिसका मुझे तब पता चलेगा जब मैं इसका क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 x^2/1/3 है, तो ये 1 x^2/1/3 और 1 x^2/1/3 इन दोनों का मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो ऐसे 1 x^2/2/3 में ये पूरी की पूरी वैल्यू से मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। और 1 x^2 के होल पावर दे रखे 1/3, इसका मैंने डिवाइडेशन कर लिया है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 x^2/1/3 1 x^2/1/3 प्लस, आप समझे इस बात को, एक्चुअली है ये 1 x^2/1/3 ही, बट इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो ये इसका मैंने डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब इस वैल्यू का जब मैं डिवाइड करता हूँ तो सेम ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये ऐसे कैसे एज इट इज डिच आ जाएगी, एक स्टेप कम हो जाएगी आपकी और ये आ जाएगा 1 x^2/2/3 अपॉन सेम ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 1 x^2/1/3 और 1 x^2/1/3 और इधर ओनली बचेगा 4। आप देखिए यहाँ पर 1 x^2, देखो ध्यान से देखना, जब आपके पास a की वैल्यू या सपोज दैट y की वैल्यू आपके सामने रखे 2/3 और अपॉन में y की पावर है 1/3, तो y की पावर 2/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, y की पावर 1/3 हो जाएगा। ये बेस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 2/3 में से 1/3 मैं माइनस करूँगा तो 1/3 बचेगा, तो इसलिए 1 x नीचे 1/3 है ऊपर 2/3 है, तो ये 1 x^2/2/3 माइनस 1/3 अपॉन 1 x^2/1/3 प्लस, इसी तरह से ऊपर 1 x^2/2/3 है तो 1 x^2/3 और ये पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी अपॉन 1 x^2/1/3 और इक्वल में आ जाएगा 4। अब देखो 2/3 में से 1/3 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1 x^2/1/3 अपॉन 1 x^2/1/3 प्लस 1 x^2/1/3 और 1 x^2/1/3 इक्वल हो जाएगा 4। ओके, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 x अपॉन 1 x^2/1/3 a अपॉन b, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है तो ये a अपॉन b का होल स्क्वायर हो जाता है, तो सेम मैंने ऐसे लिख लिया और इधर आ जाएगा 1, देखो इधर प्लस है नीचे माइनस है, तो इधर 1 ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ई पावर 1/3 इक्वल हो जाएगा 4 के, ठीक है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, 1 x/1 - x को मैं a मान लेता हूँ। ओके, क्या मान लेता हूँ, a, या ये कहें कि जब मैं 1 x/1 - x को a मानूंगा तो 1 x/1 - x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/a हो जाएगी। जब मैंने इसको a माना है तो ये 1 x/1 + x क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ। अब देखिए आगे इक्वेशन क्या बनती है, मान लो मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ तो ये तो हो जाएगा a की पावर 1/3 और ये हो जाएगा 1 x/1/3 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगी।
अब देखिए ये है वन अपॉन ए की पावर वन बाई थ्री। तो हमारे सामने एक नया क्वेश्चन बन गया था। ये सारे कंसेप्ट आपके इन स्टेप्स में आ गए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आगे हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मेरे पास जो वैल्यू रखता हूँ ये इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में मैं वैल्यू रखता हूँ, ये ए की वैल्यू है हमारे पास, ये वन अपॉन ए की वैल्यू है, तो इसमें जब मैं वैल्यू रखता हूँ तो हमारे सामने ए की पावर वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन ए की पावर वन बाई थ्री बराबर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। और जब मैं इसमें आइडेंटिटी लगाता हूँ तो देखो क्या फॉर्मूला बनता है, तो मैं दोनों का होल क्यूब कर देता हूँ, ए की पावर वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन ए की पावर वन बाई थ्री का मैं होल क्यूब कर देता हूँ तो चार का भी क्यूब हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस वन अपॉन ए प्लस थ्री ए बी, थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये इसमें आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी, ये 64। और इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप फोर है, तो ए प्लस वन अपॉन ए, ये वैल्यू से वैल्यू क्या जाएगी कैंसिल, प्लस थ्री इंटू फोर इजिकल टू 64। और ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 64 माइनस 12, थ्री फोर जा 12, देन ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 52। ये इक्वेशन हमारे सामने बन के आ गई है, ठीक है। ये मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, लेकिन इसमें मैं आपको, ये तो आपको अच्छे से समझा गया होगा, लेकिन इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट और अच्छे से तैयार करा देता हूँ, वो देखो ये ज़्यादा इजी है जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो एक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, इफ़ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपके सामने फोर दे रखी है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी फोर का क्यूब माइनस थ्री इंटू फोर। ये कंसेप्ट है, दोबारा देखो आप, इफ़ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपके सामने फाइव दे रखी है देन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी फाइव का क्यूब माइनस थ्री इंटू फाइव, उसका क्यूब करके उसको थ्री से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो जब मैं ए की पावर वन बाई थ्री का क्यूब करता हूँ तो ये हमारे पास ए ही आ जाता है। इसलिए जब मैं इस वैल्यू ए की पावर वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन ए की पावर वन बाई थ्री की वैल्यू फोर दे रखी है देन ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी फोर का क्यूब माइनस थ्री इंटू फोर। ये डायरेक्ट आप कंसेप्ट याद रखें कि यहाँ पर जो वैल्यू है उसका क्यूब आ जाएगा, इधर यहाँ पर जो वैल्यू है उसका क्यूब आ जाएगा। जैसे मैंने ये आपके सामने कंसेप्ट क्लियर करके बताया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके सामने ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू आपके सामने आई 64 माइनस 12, और 64 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 52। अब देखो ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू आपके सामने आई 52। अब आप देखो एक काम करते हैं, ए की वैल्यू आपके सामने क्या है, एक्स वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है, और वन अपॉन ए की वैल्यू आपके सामने है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इजिकल टू 52। इसमें देखो आप एलसीएम आ जाएगा वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, इसमें एलसीएम आ जाएगा तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा 52। ओके अब देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसी तरह से ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी 52 इंटू वन प्लस वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर 2x से 2x का जगह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने देखा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 2x स्क्वायर, और 1 में 1 प्लस हो गया 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 52, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 52 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे सामने क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू 52 माइनस 52 एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं ये वैल्यू कैसे आती है, 52 माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, देन 2x स्क्वायर प्लस 52x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 52 माइनस 2। अब देखो इधर ये माइनस का था, इधर आके क्या हो गया प्लस का हो गया, और ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 54x स्क्वायर इजिकल टू 50 देन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 50 अपॉन 54, और ये मैं 2 से कैंसिल कर देता हूँ तो 25 अपॉन 27। तो फाइनली एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने आई 25 अपॉन 27, और जब मैं इस वैल्यू को सोल्व करता हूँ
एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे सामने आती है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25/27, देन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/27। तो ये प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और इसको हम लिखेंगे 9 × 3, ओके, देन प्लस माइनस 5, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और इधर आ जाएगा √3। तो ये आपकी x की वैल्यू है और इस वैल्यू को यदि मैं वेरीफाइंग मेथड से भी करना चाहूँ तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएगा ये, देन इसको मैंने डिटेल में आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, एक दो बार आपको जरूर देखना पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं सीखने के लिए। तो आप ये मत देखिए कि आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया है, मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में इसलिए बताया था कि आपको बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी स्टेप्स, बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिले। तो अब काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है इस क्वेश्चन में, तो आगे के क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू और ऐसे ही लगातार वीडियो को आप देखते रहें, एंड ऑल द बेस्ट।